खबर सीएम सिटी गोरखपुर से है, जहां पर किसानों ने आज अपना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि तमाम मसलों को लेकर आज जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उसका समर्थन करते हुए तमाम जो पार्टी के जो नेता थे, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, दोनों ने अपना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गोरखपुर का ये नज़ारा है जहाँ पर ये सभी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से किसान इस समय आंदोलन पर दिल्ली में बैठे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं, तमाम जो कानून लगा है उसको लेकर, अपनी वापसी को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आई। फिलहाल इस सब के बीच में 8 दिसंबर का जब उन्होंने ऐलान किया भारत बंद का, उसके साथ में ही तमाम जो पार्टी ना हैं, जो सियासी दल हैं देश के, उन्होंने जो समर्थन करते हुए तमाम किसानों का, उनके लिए उन्होंने तमाम अन्य जिलों में जो है, तमाम जगह हैं, प्रदेश भर में, देश भर में तमाम जगहों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ में ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये समर्थन माना जा रहा है, अलग अलग गुटों ने समर्थन किया तो कुछ गुटों ने नकारा भी। आपको बताते कि इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के चलते तमाम जगहों पर फिलहाल धारा 144 लगा दी गई थी ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। आपको बताते कि इसके लिए सभी तरीके से गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी थी और धारा 144 लगाते हुए साफ तरीके से कह दिया था कि किसी, जितने भी राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो व्यवस्थित बनाई जाए और किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो मामले को लेकर लोगों से, साथ में जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी से कह दिया था साफ तरीके से कि किसी तरीके की जो है वो बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जो गलत तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। को पता है कि कोरोना काल का समय चल रहा है, ऐसे में तमाम जो भीड़ और भड़का पूरी तरीके से बढ़ा, निश्चित रूप से उसने अभी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है वो बीमारियाँ जो हैं कहीं ना कहीं कोरोना जो चल रहा है उसको लेकर भी जो मुश्किल के समय में है। फिलहाल इंजेक्शन आने वाला है, लेकिन इस इंजेक्शन के बीच में किसानों का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। वर्तमान समय में सारी बाजारें खुली हुई हैं गोरखपुर की, ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। कुछ लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन का प्रयास किया था जिनको डिटेन कर लिया गया है, बाकी सब सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है और दिनों के हिसाब से ही बाजार खुले हुए हैं और मार्केट में शांति है। व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा हुई है या फिर आप लोगों ने व्यापारियों के जो लोगों ने निकलने का प्रयास किया उनको वहीं पर डिटेन कर लिया गया, कहीं भी किसी को मार्च करने की इस तरीके की अनुमति नहीं दी गई है। तो बाजार सामान्य रूप से खुली है, व्यापारी लोग, सारे लोग मार्केट अपने खोले हुए हैं और सामान्य रूप से अपना कार्यकाज कर रहे हैं। टीमें के जितने भी महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं हर जगह पुलिस का पर्याप्त व्यवस्था की गई है और वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार नजर रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय चीज न हो पाए। सियासी प्रदर्शन के बीच में फिलहाल अब क्या हल निकलता है, किसानों की मांगे सरकार मानती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो आने वाला चुनाव है उसने सियासी गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। कैमरामैन नवाजिस हुसैन के साथ में सईद अली की रिपोर्ट गोरखपुर से। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सभी समाजवादियों ने किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते हुए दुकानदारों से हाथ जोड़कर निवेदन किए और सब लोगों ने हम लोगों का निवेदन